आ रही है, जहां प्रदर्शनकारियों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी अनिल कुमार ने गिरफ्तारी की जानकारी दी है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से इस आरोपी के पास देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। गतपुरी टोल पर प्रदर्शनकारियों को धमकाया जा रहा था, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। सरेआम हथियार लहराते हुए आरोपी ने ये धमकी दी है। पिरथला से बड़ी जानकारी, प्रदर्शनकारियों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएसपी अनिल कुमार ने गिरफ्तारी की जानकारी दे दी है। आरोपी मोनू के पास से देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र धैया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या ऐसी कोई सूचना सामने आई कि प्रदर्शनकारियों को यह आरोपी क्यों धमका रहा था? देखिए, अभी पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और साफ तौर पर जब वहां पर धमकी दी गई थी तो जो प्रदर्शनकारी, उन्होंने बताया कि साफ तौर पर उसने कहा था कि भाई यहां से टोल को खाली करो वरना मैं सबको एक एक को यहां से जो है खाली कराना मुझे आता है, गोली मार दूंगा आप लोगों में। और कहीं ना कहीं टोल की हिमायत में ये आरोपी यहां पर पहुंचा था। तो इसमें अब आगे की कार्रवाई पुलिस क्या कुछ करती और क्या कुछ इसमें सामने निकल कर आता है, पूछताछ के बाद पता चलेगा। लेकिन जब से ये हथियारबंद युवक वहां पहुंचा था तब से अब तक लोगों में भारी रोष व्याप्त है और एक टेरर जो इसने वहां पर फैलाया उसको लेकर भी लोगों में रोष बना हुआ। और इसी को लेकर अब 22 तारीख को महापंचायत का आयोजन गदपुरी टोल पर होगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की बात टोल संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा कही जा रही है। जी राजेंद्र, बात की जाए जो लोग प्रदर्शनकारी हैं, क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? देखिए, साफ तौर पर कहें तो उनमें भारी रोष है और उन्होंने अब आगे का बीड़ा भी उठा लिया क्योंकि टोल को वो पहले दिन से ही अवैध बता रहे हैं और ग्राम पंचायत की जमीन पर टोल को बनाया गया है जिसकी कोई मंजूरी नहीं ली गई है। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर वो लगातार विरोध कर रहे थे और कल भी जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो उसी बीच ये युवक वहां हथियार लहराता हुआ पहुंचा और अब इसी के विरोध में उन्होंने साफ तौर पर कहा है, चेतावनी दी है संघर्ष समिति के सदस्यों ने कि यदि कोई भी ऐसा युवक यहां पर आकर अभद्रता करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप उन्होंने लगाया है। जी चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो बड़ी जानकारी, प्रदर्शनकारियों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं तो किस तरह से ये प्रदर्शनकारियों को धमका रहा है। हालांकि इस आरोपी मोनू के पास से देसी कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। गदपुरी टोल पर प्रदर्शनकारियों को धमकाने का मामला सामने आ चुका है। सरेआम हथियार लहराते हुए आरोपी ने धमकी भी दी है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से ये प्रदर्शनकारियों को धमका रहा है, साथ ही साथ किस तरह से जो हथियार है वो लहराते हुए ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़ी जानकारी, सरेआम हथियार लहराते हुए आरोपी ने प्रदर्शनकारियों को धमकी भी दे डाली है। डीएसपी अनिल कुमार ने गिरफ्तारी की जानकारी भी दी है। आरोपी मोनू के पास से देसी कट्टा बरामद कर लिया गया है। बड़ी जानकारी जिससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं।